एनिमल जिसने सब तरफ तबाही मचा रखी है, फिर चाहे वो थिएटर हो, चाहे सोशल मीडिया हो, और फिर चाहे वो पब्लिक ही क्यों ना हो, क्योंकि एनिमल फिल्म के लिए सब पागल है और इसलिए एनिमल फिल्म सभी फिल्मों पर भारी पड़ रही है, क्योंकि एनिमल फिल्म सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई है। और अभी इस फिल्म का हाइप इतना ज्यादा है कि पब्लिक इस फिल्म को रिपीट मोड पर थिएटर में जाकर देख रही है। एनिमल फिल्म ने अपने पहले दिन में हिंदी के कलेक्शन में 54.75 करोड़ का कलेक्शन किया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा कलेक्शन है हिंदी लैंग्वेज में। और वहीं एनिमल फिल्म ने अपने पहले दिन में तेलुगु भाषा में 9 करोड़ का कलेक्शन किया है, और इसी के साथ एनिमल फिल्म ने अपने पहले दिन में तमिल भाषा में 0.4 करोड़ का कलेक्शन किया है। और अगर हम इन सभी नंबरों को आपस में मिलाकर देखें तो एनिमल फिल्म का पहले दिन का टोटल कलेक्शन हो जाता है 63.8 करोड़ का, और वहीं एनिमल फिल्म का पहले दिन का वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शन हो जाता है 116 करोड़ का। यानी एनिमल फिल्म ने अपने पहले ही दिन में अपने फिल्म के बजट को क्रॉस कर लिया, क्योंकि एनिमल फिल्म का बजट था 100 करोड़ का। ओह माय गॉड, वाओ। और इसी कलेक्शन के साथ एनिमल फिल्म ने एक नया रिकॉर्ड और बना दिया है, क्योंकि इस तरह के कलेक्शन से एनिमल फिल्म हिंदी भाषा में सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली तीसरी फिल्म बन गई है, क्योंकि जवान फिल्म ने अपने पहले दिन में हिंदी भाषा में 65 करोड़ का और पठान फिल्म ने अपने पहले दिन में हिंदी भाषा में 55 करोड़ का कलेक्शन किया था। और अब तीसरे नंबर पर एनिमल फिल्म आ गई है, जिसने अपने पहले दिन में ही हिंदी भाषा में 54.78 करोड़ का कलेक्शन किया है। यानी एनिमल फिल्म ने अपने पहले ही दिन में हिंदी भाषा में कलेक्शन करने में KGF चैप्टर 2 और 4 जैसी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। और वहीं एनिमल फिल्म ने दूसरे दिन में हिंदी में 54.37 करोड़ और तेलुगु में 7 करोड़ और तमिल में 0.5 करोड़ का कलेक्शन किया एनिमल फिल्म ने अपने दूसरे दिन में। और ये टोटल नंबर मिलाकर एनिमल फिल्म ने अपने दूसरे दिन में 66.27 करोड़ का कलेक्शन किया, और वहीं एनिमल फिल्म के दूसरे दिन का वर्ल्ड वाइड का टोटल कलेक्शन हो जाता है 124 करोड़ का। यानी एनिमल फिल्म टॉप सभी फिल्मों के रिकॉर्ड को आसानी से तोड़ सकती है। अब नहीं मानेंगे, क्योंकि एनिमल फिल्म ने अपने तीसरे दिन में इंडिया में 71.46 करोड़ का कलेक्शन किया, और एनिमल फिल्म ने अपने चौथे दिन में 44 करोड़ और अपने पांचवें दिन में 37 करोड़ का कलेक्शन किया। और जिस तरह का एनिमल फिल्म ने कलेक्शन किया है ना, वो कलेक्शन पठान जवान जैसी बड़ी फिल्में कर रही थी। यानी अगर पब्लिक को फिल्म पसंद आई तो पैसा ही पैसा होगा बाबू भैया। और एनिमल फिल्म ने अपने छठे दिन में हिंदी भाषा में 27 करोड़ का कलेक्शन किया और तेलुगु भाषा में 2 करोड़ का। मतलब एनिमल फिल्म का छठे दिन का इंडिया का टोटल कलेक्शन हो जाता है 30.39 करोड़ का। और एनिमल फिल्म ने अपने फर्स्ट वीक में 322 करोड़ का टोटल कलेक्शन कर लिया, और वो भी केवल इंडिया में। और वहीं एनिमल फिल्म का फर्स्ट वीक का वर्ल्ड वाइड का कलेक्शन हो जाता है 527.6 करोड़ का, और जिसमें अभी एनिमल फिल्म के सातवें दिन के शाम भी कलेक्शन आना बाकी है। और एनिमल फिल्म एक नया रिकॉर्ड बना सकती है हिंदी भाषा में कलेक्शन करने का, क्योंकि एनिमल फिल्म ने अपने फर्स्ट वीक में ही हिंदी कलेक्शन में 278 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। और वहीं हिंदी भाषा में सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म है जवान, जिसने हिंदी भाषा में 582 करोड़ का कलेक्शन किया था। और वहीं दूसरे नंबर पर फिल्म आती है गदर 2, जिसने हिंदी भाषा में 525 करोड़ का कलेक्शन किया था। और वहीं तीसरे नंबर पर फिल्म आती है शाहरुख खान की पठान, जिसने हिंदी भाषा में 521 करोड़ का कलेक्शन किया था। और अब उस रेस में दौड़ रही है एनिमल, क्योंकि जिस तरह एनिमल फिल्म के कलेक्शन निकल कर बाहर आ रहे हैं, उस तरह एनिमल फिल्म बहुत ही जल्दी इन सभी फिल्मों के रिकॉर्ड के पास आराम से पहुंच जाएगी, क्योंकि एनिमल फिल्म ने अपने फर्स्ट वीक में ही हिंदी भाषा में 278 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। तो फिल्म एनिमल पठान जवान और गदर 2 के हिंदी कलेक्शन के रिकॉर्ड को आराम से तोड़ सकती है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अगर इसी तरह एनिमल फिल्म के कलेक्शन बाहर आते रहे तो, क्योंकि एनिमल फिल्म का क्रेज थमने का नाम नहीं ले रहा है और पब्लिक एनिमल फिल्म को रिपीट मोड पर थिएटर में जाकर देख रही है। तो अब आप लोग ही मुझे बताओ कि क्या एनिमल फिल्म पठान जवान और गदर 2 फिल्मों के हिंदी कलेक्शन के रिकॉर्ड को तोड़ सकती है। आपकी जो भी राय मुझे कमेंट में जरूर बताना, और ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो मिलते हैं कल नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। और अगर हम इन सभी टोटल